अभी तक स्पोर्ट्स कंपनियां जो थी वो प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप्स दे रही थी, जैसे आप ग्रेनिक्स से लेके देखें अभी तक जो सबसे लो वाला ब्रांड है, हम किसी को ये नहीं कह सकते, लेकिन एट एन इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल अगर आप देखें तो सब कंपनियां प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप दे रही हैं, लेकिन वो प्लेयरों को स्पॉन्सरशिप मिल रही है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टार्स हैं। लेकिन हमने, हमारा मकसद क्या है, अभी हमने सोचा कि हमारा जो रॉ टैलेंट है, जो पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे, इंडिया इज कंसिडर्ड द कैपिटल वाय द क्रिकेट इज अ रिलीजन एंड सचिन इज द गॉड ऑफ द यहां पे क्रिकेट का, इंडिया में अगर आप देखेंगे पूरी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की बात करेंगे तो उसमें अगर आप सचिन की बात करते हैं दैट मीन इज द बैट्समैन नेशन। इंडिया में पूरा सबसे ज्यादा पूरा इलाका बॉलरों का नहीं माना जाता है लेकिन बैट्समैन का माना जाता है। बैट्समैन अगर आप कंसिडर करेंगे तो बीइंग ए कश्मीरी, बीइंग द मैन्युफैक्चरर ऑफ कश्मीरी क्रिकेट गुड्स एंड अदर क्रिकेट बैट्स एंड स्पोर्ट्स गुड्स, हम कश्मीर में वी आर द कैपिटल ऑफ क्रिकेट बैट मेकिंग इन इंडिया, क्योंकि 400 फैक्ट्रियां हैं, 3 मिलियन से ज्यादा 30 लाख बैट एनुअली ग्रो करते हैं। लेकिन हम जब कैपिटल हब होने के बावजूद हम अगर रॉ टैलेंट पूरी दुनिया को दे सके वो सबसे बड़ी एक कामयाबी होगी, और क्रिकेटर्स जो हैं उनको स्पॉन्सरशिप देने के बजाय उनको अगर हम मौका फराहम करें इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स में खिलाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग में खिलाएं। अगर आपको याद हो आज से 10 से 12 साल पहले कि हमारे जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स थे खाली 8 से 10 क्रिकेट टीम्स थे, लेकिन अभी वी हैव 175 क्रिकेट प्लेइंग नेशंस, और उसके अलावा आईसीसी अगर इतना ग्रोथ कर चुका है, कश्मीर में सिर्फ 2.5 लाख बैट एनुअली बनते थे लेकिन अब अगर आप देखेंगे वी आर मैन्युफैक्चरिंग 30 लाख प्लस बैट्स एनुअली। तो ये चीज अगर हम इस सनद में सबसे आगे हैं पूरी दुनिया में तो हमें इस चीज में भी आगे रहना चाहिए कि हम जो क्रिकेट प्लेइंग अच्छे पोटेंशियल क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो कन्याकुमारी तक किसी भी जगह में है, हम चाहते हैं कि एक डेटाबेस कलेक्ट करें, प्लेयरों को हम एक मौका फराहम करें इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स में खेलने का, इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स में खेलने का। तो वो मकसद है आपको यहाँ पे बुलाने का। हमारे पास, मैंने जो बोला टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हेडेड बाय हिम ओनली नियाज़ुल कबीर, ये क्या करेंगे, उसमें जो भी हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी कमिटी में मेंबर्स हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करते रहेंगे। एक साल तक अभी से बराबर आप चलिए, अगले साल इंशाल्लाह फेब मार्च में हमारी सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पे आएंगे डिफरेंट ममालिक से, एक ही बार नहीं आएंगे, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक दो दो स्लॉट हमारे लिए निकालेंगे वो लोग एज पर एमओयू, तो उसमें वो लोग अपने हमारे यहाँ से अपलोड करता है वीडियो तो एक साल बाद उसको पता चलेगा कि वायरल है। सी एक साल बाद उसको पता नहीं चलेगा वायरल है। इसमें क्या होगा कि कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म है, किसी बंदे ने एक ही गेम अच्छी खेली, वो वही वाला हमें वीडियो सेंड करेगा, जी मैंने सेंचुरी मार दी 28 गेंदों में और मैं सिलेक्ट हो गया। ऐसा नहीं होगा, पूरे साल का डेटाबेस, उसके कम से कम 20 वीडियो हमारे पास होने चाहिए बॉलिंग के बैटिंग के, जिसमें एसेस करके हम देखें कि दैट इज अ पोटेंशियल कैंडिडेट एंड ही कैन बी।